खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां पुलिस ने ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में हुई डकैती का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी सहित अन्य 6 बदमाश अभी फरार हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक मामला बालाजी ट्रांसफार्मर्स फैक्ट्री का है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 40 लाख का माल और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। लखनऊ से संवाददाता रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये दिनांक 27 जनवरी 2024 को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें रात्रि में मिस्टर संजीव अग्रवाल हैं, इनके यहाँ पर ट्रांसफार्मर की रिवाइंडिंग का काम होता है। वहाँ पर 8-10 बदमाशी जो हैं, एक आयशर ट्रक के साथ में आए थे, जिसमें इनके द्वारा लगभग 6800 kg तांबा वायर वहाँ से, जो वहाँ के मजदूर थे उनको बंधक बना करके लूट लिया गया था। और इसमें एडिशनल DCP अब्बास, ACP अनिंद और SHO चिन्हट अश्विनी चतुर्वेदी, सर्वेलेंस प्रभारी सतीश कुमार और कमिश्नर पुलिस की टीम, सर्वेलेंस की टीम ने कार्य करते हुए इनको कैमराज के माध्यम से और ज़मीनी मुखबिरी के माध्यम से ट्रैक किया। ट्रैकिंग के दौरान ये पता चला कि ये गाड़ी UP 2580 9774, ये बरेली की गाड़ी है। ऐप के माध्यम से इसका एड्रेस निकाला गया, जिससे एड्रेस एस्टेब्लिश हुआ और टीम जो है बरेली जाकर के मुखबिरी के माध्यम से जो पता चला कि लगभग 2700 kg तांबा इस गाड़ी में लोड करके ले जाया गया था, जिसकी पर्ची हमें प्राप्त हुई है। जब ये टीम पहुंची वहां पर तो बदमाशों को सूचना मिली और बदमाश जो हैं फतेहगंज पश्चिमी बाईपास रोड पर जा रहे थे। पुलिस के द्वारा ओवरटेक करके रात्रि में इनको गिरफ्तार किया गया है।